जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने मोनेरंग पर्वत शिखर को किया फतह। जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने दुर्गम चोटी को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले बुधवार 21 अगस्त को 21,625 फीट ऊंची उबड़ खाबड़ मोनेरंग चोटी पर शहर के पर्वतारोही ने सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज और जलपाईगुड़ी ध्वज फहराया। गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती के साथ शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। पर्वतारोहियों ने सुबह 3:45 बजे करीब 20,000 की ऊंचाई पर बने कैंप 4 से चोटी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अंतिम लक्ष्य के लिए 7 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। टीम लीडर भास्कर दास के साथ विशाखा शर्मा, जनक कोच विजय चक्रवर्ती और गाइड हॉर्स ठाकुर, सहायक गाइड राकेश ठाकुर और सोनम टीम में शामिल हुए। टीटी वे लगभग 0 से 15 डिग्री तापमान में बर्फ की दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लगभग 20,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विशाखा को शारीरिक परेशानियां होने लगी। टीम लीडर ने सोनम के को कैंप 3 में भेजने का फैसला किया। बाद में टीम बर्फ की दीवार को पार करने के बाद कठोर चट्टान की दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है। इस दीवार पर करीब 1000 मीटर रस्सी लगी हुई है। ऊपर से गिरने वाले छोटे पत्थरों के साथ साथ ठंडी हवा ने पर्वतारोही के लिए शिखर तक पहुंचना और भी कठिन बना दिया। अंततः सुबह 10:30 बजे टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती, गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। ज्ञात हो कि जलपाईगुड़ी के साहसी लोगों के नेचर एंड ट्रेकर्स क्लब ने 12 अगस्त को मोनेरंग पर्वत शिखर की दिशा में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मुख्य शिविर या बेस कैंप स्थापित किया था। 2 दिवसीय लोड फेरी के बाद कैंप 1 को 15 अगस्त को लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। वहां से 1 दिन की फेरी के बाद 17 अगस्त को करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 2 स्थापित किया गया। कैंप 3 की स्थापना 19 अगस्त को 19,000 फीट की ऊंचाई पर की गई थी। टीम लीडर ने समिट की सुविधा के लिए कैंप 4 या एडवांस समिट कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया। 20 अगस्त को खराब मौसम के बावजूद लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्वत श्रृंखला में एक बहुत छोटी जगह पर एक तंबू लगाया गया था। दोपहर से 2 बजे तक उस टेंट में बैठकर रात गुजारी जाती है और फिर यह बर्फ के जूते, क्रैम्पन, बर्फ की कुल्हाड़ी, हार्नेस, झूमर, फेदर जैकेट पहनकर अंतिम मिशन के लिए निकल पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मनचाही जीत मिलती है। जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने मोनेरंग पर्वत शिखर को किया फतह। जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने दुर्गम चोटी को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले बुधवार 21 अगस्त को 21,625 फीट ऊंची उबड़ खाबड़ मोनेरंग चोटी पर शहर के पर्वतारोही ने सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज और जलपाईगुड़ी ध्वज फहराया। गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती के साथ शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। पर्वतारोहियों ने सुबह 3:45 बजे करीब 20,000 की ऊंचाई पर बने कैंप 4 से चोटी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अंतिम लक्ष्य के लिए 7 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। टीम लीडर भास्कर दास के साथ विशाखा शर्मा, जनक कोच विजय चक्रवर्ती और गाइड हॉर्स ठाकुर, सहायक गाइड राकेश ठाकुर और सोनम टीम में शामिल हुए। टीटी वे लगभग 0 से 15 डिग्री तापमान में बर्फ की दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लगभग 20,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विशाखा को शारीरिक परेशानियां होने लगी। टीम लीडर ने सोनम के को कैंप 3 में भेजने का फैसला किया। बाद में टीम बर्फ की दीवार को पार करने के बाद कठोर चट्टान की दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है। इस दीवार पर करीब 1000 मीटर रस्सी लगी हुई है। ऊपर से गिरने वाले छोटे पत्थरों के साथ साथ ठंडी हवा ने पर्वतारोही के लिए शिखर तक पहुंचना और भी कठिन बना दिया। अंततः सुबह 10:30 बजे टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती, गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। ज्ञात हो कि जलपाईगुड़ी के साहसी लोगों के नेचर एंड ट्रेकर्स क्लब ने 12 अगस्त को मोनेरंग पर्वत शिखर की दिशा में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मुख्य शिविर या बेस कैंप स्थापित किया था। 2 दिवसीय लोड फेरी के बाद कैंप 1 को 15 अगस्त को लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। वहां से 1 दिन की फेरी के बाद 17 अगस्त को करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 2 स्थापित किया गया। कैंप 3 की स्थापना 19 अगस्त को 19,000 फीट की ऊंचाई पर की गई थी। टीम लीडर ने समिट की सुविधा के लिए कैंप 4 या एडवांस समिट कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया। 20 अगस्त को खराब मौसम के बावजूद लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्वत श्रृंखला में एक बहुत छोटी जगह पर एक तंबू लगाया गया था। दोपहर से 2 बजे तक उस टेंट में बैठकर रात गुजारी जाती है और फिर यह बर्फ के जूते, क्रैम्पन, बर्फ की कुल्हाड़ी, हार्नेस, झूमर, फेदर जैकेट पहनकर अंतिम मिशन के लिए निकल पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मनचाही जीत मिलती है।
जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने मोनेरंग पर्वत शिखर को किया फतह। जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने दुर्गम चोटी को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले बुधवार 21 अगस्त को 21,625 फीट ऊंची उबड़ खाबड़ मोनेरंग चोटी पर शहर के पर्वतारोही ने सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज और जलपाईगुड़ी ध्वज फहराया। गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती के साथ शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। पर्वतारोहियों ने सुबह 3:45 बजे करीब 20,000 की ऊंचाई पर बने कैंप 4 से चोटी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अंतिम लक्ष्य के लिए 7 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। टीम लीडर भास्कर दास के साथ विशाखा शर्मा, जनक कोच विजय चक्रवर्ती और गाइड हॉर्स ठाकुर, सहायक गाइड राकेश ठाकुर और सोनम टीम में शामिल हुए। टीटी वे लगभग 0 से 15 डिग्री तापमान में बर्फ की दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लगभग 20,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विशाखा को शारीरिक परेशानियां होने लगी। टीम लीडर ने सोनम के को कैंप 3 में भेजने का फैसला किया। बाद में टीम बर्फ की दीवार को पार करने के बाद कठोर चट्टान की दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है। इस दीवार पर करीब 1000 मीटर रस्सी लगी हुई है। ऊपर से गिरने वाले छोटे पत्थरों के साथ साथ ठंडी हवा ने पर्वतारोही के लिए शिखर तक पहुंचना और भी कठिन बना दिया। अंततः सुबह 10:30 बजे टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती, गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। ज्ञात हो कि जलपाईगुड़ी के साहसी लोगों के नेचर एंड ट्रेकर्स क्लब ने 12 अगस्त को मोनेरंग पर्वत शिखर की दिशा में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मुख्य शिविर या बेस कैंप स्थापित किया था। 2 दिवसीय लोड फेरी के बाद कैंप 1 को 15 अगस्त को लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। वहां से 1 दिन की फेरी के बाद 17 अगस्त को करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 2 स्थापित किया गया। कैंप 3 की स्थापना 19 अगस्त को 19,000 फीट की ऊंचाई पर की गई थी। टीम लीडर ने समिट की सुविधा के लिए कैंप 4 या एडवांस समिट कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया। 20 अगस्त को खराब मौसम के बावजूद लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्वत श्रृंखला में एक बहुत छोटी जगह पर एक तंबू लगाया गया था। दोपहर से 2 बजे तक उस टेंट में बैठकर रात गुजारी जाती है और फिर यह बर्फ के जूते, क्रैम्पन, बर्फ की कुल्हाड़ी, हार्नेस, झूमर, फेदर जैकेट पहनकर अंतिम मिशन के लिए निकल पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मनचाही जीत मिलती है। जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने मोनेरंग पर्वत शिखर को किया फतह। जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों ने दुर्गम चोटी को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले बुधवार 21 अगस्त को 21,625 फीट ऊंची उबड़ खाबड़ मोनेरंग चोटी पर शहर के पर्वतारोही ने सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज और जलपाईगुड़ी ध्वज फहराया। गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती के साथ शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। पर्वतारोहियों ने सुबह 3:45 बजे करीब 20,000 की ऊंचाई पर बने कैंप 4 से चोटी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अंतिम लक्ष्य के लिए 7 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। टीम लीडर भास्कर दास के साथ विशाखा शर्मा, जनक कोच विजय चक्रवर्ती और गाइड हॉर्स ठाकुर, सहायक गाइड राकेश ठाकुर और सोनम टीम में शामिल हुए। टीटी वे लगभग 0 से 15 डिग्री तापमान में बर्फ की दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लगभग 20,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विशाखा को शारीरिक परेशानियां होने लगी। टीम लीडर ने सोनम के को कैंप 3 में भेजने का फैसला किया। बाद में टीम बर्फ की दीवार को पार करने के बाद कठोर चट्टान की दीवार के ऊपर चढ़ने लगती है। इस दीवार पर करीब 1000 मीटर रस्सी लगी हुई है। ऊपर से गिरने वाले छोटे पत्थरों के साथ साथ ठंडी हवा ने पर्वतारोही के लिए शिखर तक पहुंचना और भी कठिन बना दिया। अंततः सुबह 10:30 बजे टीम लीडर भास्कर दास, जनक कोच और विजय चक्रवर्ती, गाइड हॉर्स ठाकुर और राकेश ठाकुर शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। ज्ञात हो कि जलपाईगुड़ी के साहसी लोगों के नेचर एंड ट्रेकर्स क्लब ने 12 अगस्त को मोनेरंग पर्वत शिखर की दिशा में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मुख्य शिविर या बेस कैंप स्थापित किया था। 2 दिवसीय लोड फेरी के बाद कैंप 1 को 15 अगस्त को लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। वहां से 1 दिन की फेरी के बाद 17 अगस्त को करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 2 स्थापित किया गया। कैंप 3 की स्थापना 19 अगस्त को 19,000 फीट की ऊंचाई पर की गई थी। टीम लीडर ने समिट की सुविधा के लिए कैंप 4 या एडवांस समिट कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया। 20 अगस्त को खराब मौसम के बावजूद लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्वत श्रृंखला में एक बहुत छोटी जगह पर एक तंबू लगाया गया था। दोपहर से 2 बजे तक उस टेंट में बैठकर रात गुजारी जाती है और फिर यह बर्फ के जूते, क्रैम्पन, बर्फ की कुल्हाड़ी, हार्नेस, झूमर, फेदर जैकेट पहनकर अंतिम मिशन के लिए निकल पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मनचाही जीत मिलती है।